अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड डियर स्टूडेंट्स। टुडे इट इज़ आवर 10th लेक्चर ऑफ केमिस्ट्री एंड इन टुडेज़ लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस इम्पॉर्टेंस ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन इन डेली लाइफ। जैसे कि आपको पता था हम अपने प्रीवियस वीक में जो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन ऑन द बेस ऑफ द चेंज इन एनर्जी पढ़ रहे थे वो थे एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो होते हैं जिसमें हीट रिलीज होती है और एंडोथर्मिक रिएक्शन वो होते हैं जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है। सो अब आज के लेसन में हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन की हमारी डेली लाइफ में जो इम्पोर्टेंस है उससे रिलेटेड कुछ बातों को स्टडी करेंगे। जो स्टार्ट में कुछ सबसे पहले हम बर्निंग ऑफ फ्यूल को देखेंगे। बर्निंग ऑफ फ्यूल जो है वो कहाँ कहाँ हो सकता है, हमारे घर में भी हो सकता है, हम डोमेस्टिक लेवल पे भी उसको यूज़ करते हैं, उसके अलावा हमारी कार्स या जितनी भी गाड़ियाँ वगैरह होती हैं उनके अंदर भी इसको यूज़ करते हैं, हैवी जो व्हीकल्स होती हैं उसमें भी, और जो कार्स होती हैं उनमें भी इसको यूज़ करते हैं फ्यूल को। पेट्रोलियम है, डीजल है, और उसके अलावा नेचुरल गैस को हम घर में एज अ फ्यूल यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एक्सोथर्मिक रिएक्शन किस तरह इलेक्ट्रिसिटी की जनरेशन में हेल्प करता है, डाइजेशन किस तरह से एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, और एक्सप्लोजन किस तरह से एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इन सब पॉइंट्स को हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो बर्निंग ऑफ फ्यूल जो है यहाँ पे पॉइंट फर्स्ट वन, बर्निंग ऑफ फ्यूल। सो बर्निंग ऑफ फ्यूल किस तरह से एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, सो जो कुकिंग की जाती है कुकिंग के केस में, या इसके अलावा जो घर में हीटर वगैरह चलाया जाता है उसके केस में हीट प्रोड्यूस होती है, तो ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। सेकेंड पॉइंट हम जो फ्यूल के केस पर डिस्कस करेंगे वो हम देखेंगे कि किस तरह कार्स में इसको यूज़ किया जाता है। जब कार में फ्यूल को यूज़ किया जाता है, फ्यूल क्या होता है, पेट्रोल या डीजल, इन सब चीज़ों को यूज़ किया जाता है, तो जब वो बर्न करता है, पेट्रोल बर्न करता है, तो बर्न करने के केस में जो सिलेंडर्स हैं उसमें पिस्टन मूव करता है प्रेशर के साथ, जो गैसेस प्रोड्यूस होती हैं उन गैसेस के प्रेशर से पिस्टन मूव करता है, और पिस्टन की मूवमेंट से जो व्हील्स वगैरह हैं कार के वो मूव करते हैं। इसकी फर्दर डिटेल है लेकिन आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए। देन उसके बाद किस तरह से, थर्ड जो पॉइंट हमने आगे वहाँ देखा है उसमें ये था कि थर्मल जनरेशन जो है, जो इलेक्ट्रिसिटी की जनरेशन में किस तरह से यूज़ होता है जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, किस तरह से रोल प्ले करते हैं और किस तरह से वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो थर्मल पावर स्टेशन के अंदर इलेक्ट्रिसिटी को जो है जनरेट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ जो है ये बर्निंग ऑफ फ्यूल्स। फ्यूल्स की बर्निंग के साथ थर्मल स्टेशन के अंदर इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस किया जाता है। सो ये भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। इसके अलावा जो नेक्स्ट पॉइंट हमने देखा था वो हमने बात की थी डाइजेशन की। सो जिस वक्त भी जो है वो बॉडी इंटेक करती है फूड का, जब भी हम खाना खाते हैं तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर राइज करता है। बॉडी का टेम्परेचर क्यों राइज करता है, क्योंकि हमारा मेटाबॉलिक रेट ज़्यादा होता है। सो डाइजेशन भी एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। इसके अलावा जो लास्ट पॉइंट था वो था एक्सप्लोजन से रिलेटेड। एक्सप्लोजन क्या है, एक्सप्लोजन जो है वो डायनामाइट, जो आपको यहाँ पे ये नज़र आ रहा है ये डायनामाइट है, नाइट्रोग्लिसरीन का और अमोनियम नाइट्रेट का मिक्सचर होता है, ये एक्सप्लोसिव मटेरियल होता है। इसके अलावा गन पाउडर जो है, गन पाउडर में सल्फर हो सकता है, चारकोल हो सकता है, इसके अलावा भी कुछ और चीज़ें हो सकती हैं। सो जब उनकी इग्निशन होती है, जब वो जलते हैं तो उसके केस में एक्सप्लोजन होता है। उस एक्सप्लोजन को डेफिनेटली कहीं ना कहीं गलत पर्पज़ के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन उसको आमतौर पर माइनिंग के दौरान जो है यूज़ किया जाता है, या जहाँ पर माउंटेन्स के अंदर रोड्स वगैरह बनानी होती हैं तो कंट्रोल्ड तरीके से इस तरह के एक्सप्लोजन किए जाते हैं। सो इस तरह से माइनिंग के दौरान एक्सप्लोजन किए जाते हैं, जो कि किसकी इग्निशन से होते हैं, डायनामाइट और गन पाउडर की इग्निशन से होते हैं। सो ये लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 5.11 है आपकी एक्सरसाइज का। डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंस ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शंस इन एवरीडे लाइफ। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस हैव ग्रेट इंपॉर्टेंस इन आवर डेली लाइफ। दे आर एक्सटेंसिवली यूज टू फुलफिल आवर नीड्स ऑफ हीट एनर्जी फॉर वेरियस पर्पसेस। The heat released during burning of fuel at our home is used for cooking food and to warm our room. जैसे हीटर से हम अपने रूम्स को वार्म करते हैं। इसके अलावा जो नेचुरल गैस होती है जो मीथेन गैस होती है जो हमारे स्टोव्स में आदि होती है, तो उसको यूज़ करते हुए हम खाना बनाते हैं। सेकेंड पॉइंट है द हीट रिलीज ड्यूरिंग बर्निंग ऑफ पेट्रोल और डीजल इन द व्हीकल इंजन इंक्रीजेज प्रेशर ऑफ द प्रोडक्ट टू पुश एंड मूव द पिस्टन इन द सिलेंडर। सो इसके केस में जब बर्निंग होती है पेट्रोल या डीजल वगैरह की, तो गैसेस प्रोड्यूस होती हैं। सो उनके प्रेशर से सिलेंडर में पिस्टन मूव करता है। द फोर्स ऑफ द पिस्टन टर्न्स द व्हील एंड मेक द व्हीकल मूव। सो उस फोर्स से जो है वो कार मूव करती है। हीट, थर्ड पॉइंट है, हीट प्रोड्यूस्ड बाय द बर्निंग ऑफ फ्यूल इन थर्मल पावर स्टेशन इज यूज्ड इन जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। सो थर्मल पावर स्टेशन में भी जब फ्यूल को बर्न किया जाता है, या इस केस में जो थर्मल पावर स्टेशन में फ्यूल यूज़ किया जाता है वो कोल हो सकता है,
उसको यूज़ किया जा सकता है और उससे जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जाता है. फोर्थ पॉइंट, हीट प्रोड्यूस ड्यूरिंग डाइजेशन ऑफ फूड इन आवर बॉडी कीप्स अस वार्म एंड अलाइव. फिफ्थ पॉइंट, इग्निशन ऑफ डायनामाइट एंड गन पाउडर आर ऑल्सो हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शंस एंड आर टर्म्ड एज एक्सप्लोजन्स. सच एक्सप्लोजन्स आर यूज फॉर ब्लास्टिंग इन माइंस. सो माइंस में जो है काम करने के लिए कंट्रोल तरीके से इस तरह के एक्सप्लोजन किए जाते हैं. सो ये लॉन्ग क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन 5.11. इस क्वेश्चन को इसी तरह आपने अपनी नोटबुक्स पर लिखना है जिस तरह आप अपना प्रीवियस काम कर रहे हैं, और साथ में आपने लेसन को लर्न भी करना है. इसके अलावा जो नेक्स्ट चीज़ आती है वो है आपके MCQs इसी चैप्टर से रिलेटेड. सो MCQs करने के बाद आपका ये वाला लेसन नंबर 5 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो जाता है. सो इन MCQs को डिस्कस करते हैं. कार्बन बर्न्स इन एयर टू रिलीज एनर्जी अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ. सो जिस वक्त कार्बन की बर्निंग होती है, सो उस केस में इसके साथ क्या क्या प्रोड्यूस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड बर्न इन एयर टू रिलीज एनर्जी अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. सो क्या प्रोड्यूस होता है इसके केस में, एक्सक्यूज मी, कार्बन डाइऑक्साइड. जैसे कि हमने इक्वेशन देखी थी कार्बन प्लस ऑक्सीजन, सो ये फॉर्म करती थी कार्बन डाइऑक्साइड को. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द प्रोडक्ट्स ऑफ द रिएक्शन बिटवीन जिंक एंड डायल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड्स आर. जिस वक्त जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड के दरमियान में रिएक्शन हो रहा है, यानी कि मेटल और एसिड में रिएक्शन हो रहा है, तो आपकी जो प्रोडक्ट फॉर्म करेगी वो जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस फॉर्म करेगी. जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. इसको हम देखते हैं. फर्स्ट इक्वेशन जो है ये बैलेंस्ड हमें लग रही है. ऑक्सीजन का नंबर भी बैलेंस है, कार्बन का नंबर भी बैलेंस है. फर्स्ट इज बैलेंस. सेकेंड देखते हैं, सोडियम का नंबर 1 है, क्लोरीन का नंबर 2 है, तो ये सेकंड वाली बैलेंस नहीं है. सो इसका आंसर सेकंड होगा. और ये बैलेंस कैसे होगी, यहाँ पे भी 2 आएगा और यहाँ पे भी 2 आएगा जो है ये कोएफिशिएंट के तौर पे. सो इसमें ऑप्शन बी जो है वो आपका राइट है. नेक्स्ट, हीटिंग ऑफ सॉलिड पोटाशियम क्लोरेट प्रोड्यूसेस अ गैस. क्योंकि पोटाशियम क्लोरेट KClO3 है, सो उसमें जो O3 प्रेजेंट है उससे क्या प्रोड्यूस होगी, ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगी. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन. सो हमने देखा था कि आयरन और जब हम सल्फर को कंबाइन करते हैं तो आयरन सल्फाइड फॉर्म करता है, तो उसके केस में हीट जो है वो रिलीज होती है. फॉर्मेशन ऑफ आयरन सल्फाइड बाय हीटिंग द मिक्सचर ऑफ आयरन एंड सल्फर. सो फर्स्ट जो इसमें रिएक्शन है वो आपका राइट होगा. सो आपको ये MCQ जो है वो सॉल्व फॉर्म में साथ सेपरेटली भी मिल जाएंगे. नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. बैलेंस्ड कौन सी इक्वेशन है, तो हम इसको देख लेते हैं. जो का फर्स्ट पॉइंट है Fe+Cl2 के साथ, लेकिन ये बैलेंस नहीं है, फर्स्ट भी बैलेंस नहीं है. नेक्स्ट देखते हैं, बी में देखते हैं हम Fe और 3 × 2 = 6. नो, दिस इज़ नॉट बैलेंस, दिस इज़ ऑल्सो नॉट बैलेंस. सो ये दोनों बैलेंस नहीं है, ए और बी. अब हम सी को देखते हैं, सी बैलेंस है या नहीं है. सो प्रोडक्ट हमारी Fe Cl3 और Cl3 को बैलेंस करने के लिए हमने यहाँ पे इसके साथ 3 ऐड किया और इसके साथ 2 ऐड किया, और यहाँ पे आयरन के साथ Fe के साथ भी जो कोफिशेंट ऐड हुआ है वो 2 ऐड हुआ है. सो इस तरह से जो सी ऑप्शन है आपका, ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. नेक्स्ट देखते हैं, द फॉलोइंग इक्वेशन इज प्रॉपरली बैलेंस्ड व्हेन कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन लीड्स टू कार्बन डाइऑक्साइड. सो वो बता रहे हैं कौन कौन से कोफिशेंट हो सकते हैं, एक्स वाई और जी, इनका नंबर क्या होगा. अब हम देखते हैं, हम सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, देन उसके बाद हम गेस कर लेंगे कि हमारा कौन सा ऑप्शन राइट है. कार्बन मोनोऑक्साइड है, ऑक्सीजन है. ओके, अगर हम यहाँ पे ये ऑक्सीजन है, और क्योंकि हमारे पास ऑक्सीजन का नंबर रिएक्टेंट्स में 3 है और प्रोडक्ट्स में 2 है, तो हमें यहाँ पे इसको बैलेंस करना पड़ेगा. हम यहाँ पे 2 ऐड करते हैं, उसके साथ क्या होगा, 2 × 2 = 4 हो जाएगा. 2 × 2 = 4 होगा, तो हमें यहाँ पे 2 ऐड करना पड़ेगा. 2 ऐड करने से, और ये जो है ये वाला ऑक्सीजन 1 ही रहेगा. हाँ जी, सो इस तरह से हम जो है इसको सॉल्व कर लेंगे. जी ये 2 हो गए, और इधर भी ऑक्सीजन 2 हो गए, और ये वाले ऑक्सीजन भी 2 है, तो 4 ऑक्सीजन है रिएक्टेंट्स में और 4 ऑक्सीजन है प्रोडक्ट्स में. और जो है इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड का नंबर भी, कार्बन का नंबर भी जो है वो दोनों तरफ 2-2 हो गया. सो जो मुझे राइट ऑप्शन लग रहा है इसके अंदर, वो आपका बनता है डी ऑप्शन. सो डी ही राइट ऑप्शन है, क्योंकि इसी तरह से इक्वेशन बैलेंस होगी. एक्स का नंबर 2 होगा यहाँ पे, वाई का नंबर 1 होगा, और जी का नंबर भी 2 होगा. सो इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी. नेक्स्ट, हाउ मेनी ऑक्सीजन एटम्स आर प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट. मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट में आप देखें ब्रैकेट में O3 है और ब्रैकेट के बाहर क्या है, 2. सो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 × 2 = 6. सो ऑक्सीजन का नंबर कितना है इसमें, 6. राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, 6.
Next, the reaction between calcium oxide and carbon dioxide to form calcium carbonate is an example of. अब देखें इसके अंदर उन्होंने बोला है reaction between. अब दो चीज़ों को क्या कर रहे हैं, इन दोनों के दरमियान reaction करवा रहे हैं, मतलब इनको plus कर रहे हैं, इनको add कर रहे हैं. So एक चीज़ उसे form कर रही है, जिसको नाम दिया जा रहा है addition reaction. सो ये कौन सी रिएक्शन है, एडिशन रिएक्शन. नेक्स्ट आप देखते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट प्रोड्यूसेस अ गैस. कैल्शियम कार्बोनेट की थर्मल डिकम्पोजिशन. सो हमें पता है कि जिस वक्त भी कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज होता है, डिकम्पोज होने के केस में वो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करता है. सो कार्बन डाइऑक्साइड इज गैस इन दिस केस. सो हम यहाँ पे राइट ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, ऑप्शन बी, दैट इज, एक्सक्यूज मी, हम राइट ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे ऑप्शन बी, कार्बन डाइऑक्साइड. सो इस तरह से आपका आज का लेसन कंप्लीट होता है. आप जो है अपनी बुक से इंपॉर्टेंस ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शंस को भी देखेंगे, जो आपकी बुक पे पेज नंबर 73 पे है. उसके साथ साथ आप लोग जो एमसीक्यूज हैं, जो पेज 74, 75 और 76 पे एक एमसीक्यू है, उसको देखेंगे. सो आपका ये लेसन कंप्लीट होता है, चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट होता है. आई होप कि आपको आज के लेसन की समझ आई है. इफ़ यू फाइंड एनीथिंग डिफिकल्ट, यू मे आस्क फ्रीली. थैंक यू, अल्लाह हाफिज़.